हाय वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन जिसे आप 15 से लेकर 20,000 के प्राइस पॉइंट पर परचेज कर पाएंगे। लास्ट के कुछ महीनों के अंदर Realme ने बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इनफैक्ट कल भी Realme के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। सो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन अभी के समय पर आपको Realme के ही मिलेंगे। एंड नो डाउट Realme के स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होते हैं अगर हम कंपेयर करें अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन से। तो दैट्स वाई बहुत सारे यूजर Realme के ही स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 4 बेस्ट Realme के स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिसे आप 20,000 के नीचे परचेज कर पाएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों स्मार्टफोन सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा। तो अगर आप भी Realme के ही एक तगड़ा सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं वो भी 20,000 के नीचे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो ये चारों स्मार्टफोन Realme के ही होने वाले हैं। दैट्स वाई हमने इन चारों स्मार्टफोन को प्राइस के बेसिस पर रैंकिंग किया हुआ है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 4 से। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये स्मार्टफोन 15,000 के नीचे सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है एंड सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो इस फोन का नाम है Realme 8। थोड़ा सा पुराना फोन जरूर है लेकिन 15,000 के प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है ये। इसे आप एक कंप्लीट स्मार्टफोन भी कह सकते हो, बस इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन बाकी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। लगभग 8mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन पतला है। इसके साथ ही 177 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये फोन इस लिस्ट का सबसे लाइट वेट फोन भी बन जाता है। तो कॉम्पैक्ट सा फोन है, स्लिम है, लाइट वेट है, हैंडी सा फोन है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 2.0। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो अब बात कर लेते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। मैक्सिमम 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी जिससे आपको ब्राइटनेस से ज्यादा इश्यू नहीं मिलने वाली है। एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो डिस्प्ले आपको प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाएगा। ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है। और दो और कैमरे दिए गए हैं जो कि 2-2 मेगापिक्सल के हैं, बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए काम आते हैं। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में 30 और 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और ये सोनी का सेंसर है। फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो कैमरा आपको अच्छा मिल जाएगा इस फोन के अंदर। बैटरी के बारे में बात करें तो ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और उसी को चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ये फोन MediaTek G95 चिपसेट के साथ आता है। ये एक 4G चिपसेट है, 12nm पर बनी हुई है। अराउंड 3 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर है। UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है। इसी के साथ LPDDR4X का RAM भी मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं आने वाली है, नॉर्मल और डिसेंट लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। सो ये सारे फीचर्स आपको Realme 8 में मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 रुपये पे करने होंगे। वहीं पर 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के लिए 16,999 रुपये पे करने होंगे और 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 रुपये पे करने होंगे। सेल के दौरान ये फोन आपको 12 से 13,000 में भी मिल जाएगा। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। गाइज जैसे कि आपको पता ही होगा मैं आपको हमेशा से अच्छे अच्छे स्मार्टफोन सजेस्ट करते आया हूँ और बकायदा आप उसे परचेज भी करते हैं। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको किसी भी तरह के कैशबैक और रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, राइट? बट मैं आपको आज द मोस्ट रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। ये कार्ड आता है एक्सिस बैंक की तरफ से, द एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा और इस कार्ड को यूज करने पर आपको ढेरों सारे कैशबैक मिलते हैं। जैसे कि आपको 5% कैशबैक मिलता है अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कुछ भी परचेज करते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए।
और 4% कैशबैक मिलता है उबर, स्विगी, टाटा 1MG, क्लियर ट्रिप, क्योर फिट, PBR और टाटा स्काई। और 20% तक ऑफ मिलता है अगर आप डाइनिंग करते हैं इनके 4000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट के अंदर तो। एंड 1.5% कैशबैक आपको हर एक आइटम पर मिलता है। एक साल के अंदर आप फ्री में 4 डोमेस्टिक लॉन्चेस भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इस कार्ड पर आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस कार्ड को कैश करो एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं तो 250 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा आपको। और कैश करो एप्लीकेशन के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक जेन्युइन कैशबैक ऐप है जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपको कैशबैक देता है। तो अगर आप भी 250 रुपए का इंस्टेंटली कैशबैक लेना चाहते हैं या फिर अप टू 5% तक का कैशबैक लेना चाहते हैं अपने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, तो कैश करो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आपको वहां जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, साइन इन वगैरह कर लेना है आपको, 30 मिनट के अंदर ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस अमेजिंग कार्ड। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन रखा है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है और इसे आप एक गेमिंग फोन भी कह सकते हो। तो इस फोन का नाम है Realme 9 Pro 5G। इस फोन का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इसके साथ ही 8.5mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं है ये फोन। एंड 195 ग्राम वेट दिया गया है। ओवरऑल आपको डिजाइन अच्छा मिल जाएगा, नो डाउट। डिजाइन के मामले में आपको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, इट मीन्स 2 सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, हालांकि डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए था। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करोगे जो कि इस फोन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 3.0। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी कमाल का मिलेगा आपको। बैटरी के बारे में बात करोगे तो ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल एक दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस फोन का सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं है। हाँ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। सो स्मूथनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, काफी ज्यादा एनहेंस एडिशन के साथ आता है। 500 नीट्स के पीक ब्राइटनेस दी गई है। HDR डिस्प्ले नहीं है तो HDR कंटेंट आप देख नहीं सकते। डिस्प्ले के ऊपर कौन सा प्रोटेक्शन टाइप दिया गया है ये तो पता नहीं चल पाया है, मे बी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। ओवरऑल आपको डिस्प्ले ठीक ठाक मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल डीआर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि काफी बेकार बात है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वैसे Realme का कहना है कि नाइट कैमरे के साथ आता है तो नाइट इमेजेस आपको अच्छी मिल जाएगी। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन Snapdragon 695 5G चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट 6nm पर बना हुआ है, मतलब पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा स्कोर कह सकते हो आप। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है और LPDDR 4X का रैम टाइप दिया गया है। वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस से ज़्यादा इशू नहीं मिलेगी क्योंकि देखा जाए तो ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन ही है। और ये फ़ोन 6 से 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। प्राइसिंग की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 रुपये पे करने होंगे और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 20,999 रुपये पे करने होंगे, लगभग 21,000 रुपये। वैसे इस फोन को आप सेल के दौरान परचेज करोगे तो 1,000 से 2,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी मिल जाएगा, तो बेहतर यही रहेगा कि सेल के दौरान परचेज करो ताकि ये फोन आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाए। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ये रहे इस फोन के डिटेल प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं Realme की तरफ से आने वाले सबसे तगड़े गेमिंग फोन के बारे में। और इस फोन में आपको 144 हर्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है। तो इस फोन का नाम है Realme 9 SC 5G। ये फोन फुल्ली डेडिकेटेड है गेमर्स के लिए। खैर चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। सो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है।
8.5 mm की थिकनेस है एंड 199 ग्राम वेट है। सो वेट और थिकनेस ठीक ठाक है। इस फोन का भी बैक पैनल रिफ्लेक्ट होता है। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। सिंगल मोनो स्पीकर के साथ आता है जो कि लाउड है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन रियलमी यूआई 2.0। वैसे एंड्रॉइड 12 के साथ आना चाहिए था ये फोन। हाँ, दो इयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे आपको। कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लगा हुआ है 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 30 वॉट का चार्जर दिया गया है। लगभग एक घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में और एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन भी आपको आराम से दे देगा। अगर हम इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि इस फोन का मेन हाईलाइटिंग पार्ट है, तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले के साथ आता है। फर्स्ट टाइम 20,000 के नीचे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और ये काफी कमाल की बात हो जाती है। 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है गेमिंग के लिए। HDR 10 सर्टिफाइड है। 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले के ऊपर किस टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अमेजिंग है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ आता है। 25,000 के नीचे काफी सारे स्मार्टफोन में हमने इस चिपसेट को देखा है। 6 nm पर बना हुआ है, पावर एफिशिएंट है। 500,000 से ऊपर अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। LPDDR4X का रैम दिया गया है। इसके साथ ही UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। सो परफॉर्मेंस में कहीं से भी इशू नहीं मिलने वाली है। ये फोन सिर्फ 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है। रियर कैमरे से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इस फोन का। प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए 20,000 रुपये पे करने होंगे और 8128 के लिए 23,000 रुपये पे करने होंगे। बाकी ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमने इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वाली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना फॉर द लेटेस्ट प्राइस। चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में और ये फोन इस लिस्ट का सबसे नया फोन है। इनफैक्ट एक दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। सो इस फोन का नाम है Realme Narzo 50 Pro 5G। Realme Narzo सीरीज का सबसे महंगा फोन है ये। ओरिजिनली 22,000 का फोन है लेकिन फिलहाल ये फोन आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा। इसे आप कम्प्लीटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। खैर चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है, बट इस फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। फ्लैट एजेस के साथ आता है, रेसिंग ट्रैक डिजाइन दिया गया है, 8 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 181 ग्राम वेट है, तो भारी भी ज्यादा नहीं है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं जो कि काफी लाउड है। ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, एसडी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इतना ही नहीं, इस फोन में आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 बेस्ड ऑन रियलमी यूआई 3.0। सो थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 मिली एम्पीयर की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अराउंड 1 आवर के अंदर फुल चार्ज हो जाती है बैटरी। परफॉर्मेंस की बात करोगे जो कि इस फोन का मेन हाईलाइटिंग पार्ट है, सो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट और ये काफी पावरफुल चिपसेट है। इसे आप Snapdragon 778 5G चिपसेट इतना मान सकते हो। 6 nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 500,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है। वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है और ये फोन 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलने वाला है। लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी दिया गया है तो जल्दी से ये फोन हीट भी नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा भी अच्छा दिया गया इस फोन में। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी अच्छे से काम करता है, ऑप्टिमाइज कर रखा है रियलमी ने। स्पेशली सेल्फी कैमरा ज्यादा बेटर है।
अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है। इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है गेमिंग के लिए एंड अप टू 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे आपको ब्राइटनेस से बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाली है। इतना ही नहीं डिस्प्ले के ऊपर COG 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है तो डिस्प्ले के अंदर भी कहीं से भी कटौती नहीं की गई है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 6128 के लिए 22000 रुपये देने होंगे और 8128 के लिए 24000 रुपये। फिलहाल इस फोन को आप फर्स्ट सेल के दौरान परचेज करते हो तो 2000 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। सो इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको अंडर 20,000 मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। ये रहे इस फोन के डिटेल, प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं। सो गाइज यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 4 बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन अंडर ₹20,000। प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं टाइम टू टाइम, तो बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना फॉर द लेटेस्ट प्राइस। और वैसे अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। और यहां तक वीडियो देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया तो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।